वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, योर साइलेंस अफेक्टिंग देम। क्या आपकी खामोशी का कोई असर है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट पे? लेट्स सी। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? योर साइलेंस अफेक्टिंग देम। क्या आपकी खामोशी का कोई असर है इस पर्सन पे जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जो पर्सन आपके माइंड में चल रहा है, क्या उस पर्सन का कोई असर, उस पर्सन को कोई असर है आपकी खामोशी का? ओके, वेट। आज मैंने पिका कार्ड रीडिंग अपलोड करी है डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स पे, ठीक है? और लिंक पिन कर दूंगी, भूल जाती हूँ, वैसे आप लोग सर्च कर लिया करें। माशाल्लाह बहुत सारे सब्सक्राइबर हो गए, तो उसको भी वॉच करा करें। वहाँ पे पिका कार्ड रीडिंग अपलोड करी है मैंने, तो देखिए जाके आप, ठीक है? ओके, योर साइलेंस अफेक्टिंग देम। क्या आपकी आपकी खामोशी का कोई असर है आपके पर्सन आपकी खामोशी को लेकर क्या सोच रहे हैं? जब आप चुप हो जाते हैं, जब आप चुप हैं, तो इस पर्सन ये पर्सन आपकी खामोशी को लेकर क्या सोच रहा है? आपके साइलेंट होने का क्या असर है? इस वक्त आप हीलिंग पे हैं, ठीक है? अगर आप खामोश हैं, साइलेंट हैं या बैलेंस हो रहे हैं, तो आपकी एक हीलिंग जर्नी चल रही है। आप इनर जर्नी में हैं और एक हीलिंग की तरफ हैं, ठीक है? ओके, आपको बाहर से बहुत मतलब कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर सिचुएशन क्या चल रही है, इर्द गिर्द के लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको इससे कोई कंसल्ट नहीं है, ठीक है? आप इससे ज़्यादा कोई अटैचमेंट नहीं रख रहे। आपके पार्टनर की लाइफ में क्या हो रहा है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनका वक्त किसके साथ गुजर रहा है, थोड़े से आप एक हीलिंग जर्नी पे, आपकी हीलिंग चल रही है, ठीक है? हो सकता है थोड़ी सी हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस भी हो, थोड़ा सा डिस्टेंस, इमोशनली डिटैचमेंट हो, ठीक है, आपके अंदर। ओके, आपकी सॉरी, बहुत सारे बार बार कार्ड गिर रहे हैं। आपके साइलेंट ट्रीटमेंट को आपके पर्सन किस तरीके से देख रहे हैं, आपकी खामोशी को आपके पार्टनर किस तरीके से देख रहे हैं? ओके, योर साइलेंस अफेक्टिंग देम। आपकी खामोशी का क्या असर पड़ रहा है इस इंसान पे? जस्टिस, आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप जस्टिस डिमांड कर रहे हैं। आपका जो खामोशी है ना, वो आप इमोशनल डिटैचमेंट पे हैं, बिल्कुल ही एनर्जी ठीक थी, ठीक है? इमोशनली डिटैच हो चुके हैं आप, इमोशनल डिटैचमेंट पे हैं। आपको वो चाहिए जो आप कर रहे हैं। आपको, आप अगर ऑनेस्ट हैं तो आपको ऑनेस्टी चाहिए, अगर आप लॉयल हैं तो आपको लॉयलिटी चाहिए, अगर आप एक बैलेंस रिलेशनशिप आप किसी को प्रोवाइड करते हैं तो आपको उसी तरीके का इंसान चाहिए। आप जस्टिस, डिवाइन से जस्टिस डिमांड कर रहे हैं। आपके पर्सन की, आपके पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपके अंदर एक अपने साथ एक इमोशनली डिटैचमेंट देख रहे हैं, आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज देख रहे हैं, जैसे कि आप दो तरीके की एनर्जी में जगल कर रहे हैं, इस कनेक्शन को लेकर कर रहे हैं। आप अंदर से ये पर्सन आपको देख रहे हैं, आपका इनर सेल्फ काफी डिस्टर्ब है, इनर कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, इनर जो आपका माइंड सेट है काफी कंफ्यूज है, डिस्टर्ब है, कंफ्यूज, जैसे कि एक इमोशनल टर्मोइल है आपके अंदर, काफी सारे इमोशंस। कभी आपको ऐसा लगता है सृष्टि में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कभी आपको लगता है नहीं करना चाहिए। दो तरीके की सिचुएशन है, टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, दो तरीके की एनर्जी को आप जगल कर रहे हैं, काफी कंफ्लिक्टेड माइंड ब्लॉकेजेस एनर्जी है, ठीक है? माइंड ऑब्स्टिकल, माइंड में एक इनर फाइट चल रही है, ठीक है? इनर ऑब्स्टिकल है आपके अंदर, कोई आपके अंदर ये चीजें रिजॉल्व होनी जरूरी है। आप खुद से नाराज हैं इस वक्त, ठीक है? आपको ऐसा लगता है आपने जिस जिस इंसान पे भरोसा किया वो गलत किया। आपके पार्टनर को शायद नहीं पता आपकी लाइफ की क्या जर्नी रही है, लेकिन इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर एक अपने आप से एक क्वेश्चन मार्क की एनर्जी है, ठीक है? आप अपने आप से सवाल कर रहे हैं, आपने क्यों ऐसे ब्लाइंड लोगों पर ट्रस्ट करा, मतलब कि आपने ऐसे क्यों डिसेप्टिव नेगेटिव लोगों पर एक ब्लाइंडली ट्रस्ट करा, ठीक है? तो इनर कुछ आपके अंदर चल रहा है, ये जो फाइट है ना, आपकी इनर फाइट है, इनर कंफ्यूजन है, इनर कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, इनर डिस्टेंस है। आप इमोशनली अपने आप से डिस्टेंस पे हैं और दूसरों से भी डिस्टेंस पे हैं, ठीक है? आप इमोशनली किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाह रहे ना, आप पर्सनल सेल्फ में किसी तरीके का चेंज यहाँ पर आप चाह रहे हैं, पर्सनल सेल्फ आपका एक चेंजिंग, ठीक है, यहाँ पर डिमांड कर रहा है। लेट्स सी, देखते हैं किस तरीके का जस्टिस आप इस पर्सन को क्या लगता है, ये पर्सन आपकी खामोशी को लेकर और क्या सोच रहा है। ओके, क्लैरिफाई जस्टिस, योर साइलेंस अफेक्टिंग देम। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई जस्टिस यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है? क्लैरिफाई जस्टिस, टू ऑफ पेंटिकल,
आप अपनी लाइफ ही कंफ्यूजन से निकलना चाहते हैं, आपको इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, आप काफी हार्ट ब्रोकन एनर्जी में हैं, ये पर्सन जानता है, आप ऑलरेडी बहुत हर्ट हो चुके हैं, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रह चुके हैं, आप अपने आप को उससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाह रहे, ठीक है। क्लैरिफाई जस्टिस, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी क्यों है, योर साइलेंस अफेक्टिंग देम। ओके हरफेंस, आपके अंदर काफी एक विजडम वाली एनर्जी है, ठीक है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं इस रिश्ते में, कुछ न्यू शुरुआत बची है या नहीं, आप डिवाइन से जस्टिस चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, बाकी आपका फोकस अपने सेल्फ पे है, ये पर्सन आपको ग्रोथ पे देख रहा है, ये पर्सन आपको इनर ग्रोथ आपकी हो रही है, आपका जो विजडम है आपको गाइड कर रहा है, आपका विजडम आपके लिए काफी, आप काफी विजडम ओरिएंटेड पर्सन है या थे नहीं तो बन गए हैं, ठीक है, या आपको कोई गुड एडवाइजर, किस कोई आपको गुड कोई आपको एडवाइजर मिला हुआ है, या कुछ आपको कोई गुड एडवाइस कर रहा है, ठीक है, या आप खुद बहुत ज्यादा एक विजडम ओरिएंटेड पर्सन है, आपका जो विजडम है वो आपको कह रहा है चेंज लेकर आओ अपनी लाइफ में, ठीक है, एक चेंजेस की तरफ जाओ, स्टकनेस की तरफ ना रहो, कहीं ना कहीं आप बैक ऑफ द माइंड थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, लेकिन आप उस कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाह रहे हैं, जस्टिस डिमांड कर रहे हैं, डिवाइन से जस्टिस डिमांड कर रहे हैं, डिवाइन से आप जैसे कि आपको डिवाइन जस्टिस चाहिए, आप कंफ्यूज इस चीज में, ये रिश्ता स्टार्ट हो गया या खत्म हो गया है, आपको कंप्लीटली क्या मूव ऑन करना चाहिए, आपके माइंड में इस तरीके का थॉट चल रहा है, ठीक है, लेकिन आप अपनी लाइफ में एक बैकवर्ड नहीं जाना चाहते, ठीक है, आप आगे की तरफ चेंज चाहते हैं, आप एक मतलब कि आप चाहते हैं चेंजेस आए लाइफ में, आप एक चेंजेस की तरफ आप अप्रोच कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में चेंजेस को चाहते हैं, ठीक है, ओके। योर साइलेंस अफेक्टिंग देम, आपकी खामोशी का क्या असर इस इंसान पे, ये इंसान जानता है आपको बैलेंस चाहिए अपनी लाइफ में, आपको जस्टिस चाहिए, और आप में जो कुछ भी आपके साथ आपकी लाइफ में हुआ आपको वो ग्रोथ देके गया, आपके सेल्फ में ग्रोथ आई है, आपके अंदर एक ठहराव आया है, पेशेंस आया है, अब आप सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं, सोच समझ कर एक्शन लेते हैं, पहले आप ऐसा नहीं करते थे, ठीक है, पहले आपके एक्शन काफी बिना सोचे समझे होते थे, आप एक हर्मिट की एनर्जी में है, ठीक है, आइसोलेटेड है, आपको अपनी लव लाइफ में बहुत सोच समझ कर एक्शन लेना है, आपके पर्सन आपको उस तरीके सा इस तरीके का देख रहे हैं, मतलब कि आप बिना सोचे समझे कोई एक्ट नहीं कर रहे, कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, ना डिसीजन लेना चाहते हैं ना लेंगे, ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है, आप काफी क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी के साथ चलना चाहते हैं, आप खाली अपने अपने अंदर क्लैरिटी नहीं रखना चाहते, आप सामने वाले से भी वही क्लैरिटी, वही ट्रांसपेरेंसी, वही क्लियर कट टू द पॉइंट बात करना चाहते हैं, आप ना कंफ्यूज रहना चाहते हैं ना कंफ्यूज करना चाहते हैं, ठीक है, ना आप वो वाले माइंड पर्सन नहीं है जो दो तरीके की प्लान ए या प्लान बी रखे, आप सामने वाले से भी वही ट्रांसपेरेंसी चाहेंगे जो खुद देंगे आप, ठीक है, सामने वाले से भी वही क्लैरिटी चाहेंगे, और अपने आप को अब आप फूल नहीं बनाना चाहते ना बेवकूफ बनाना चाहते, आप उस पॉइंट पर काम करना चाहते हैं, उस चीज पर काम करना चाहते हैं जो आपको दिखती है, काफी प्रैक्टिकल माइंड सेट, ये पर्सन आपको आइसोलेटेड देख रहा है, बैलेंस देख रहा है, पेशेंस आ चुका है आपके अंदर, काफी एक हर्मिट एनर्जी, आपने खुद को अकेला किया है, आपके जो इर्द गिर्द के लोग थे या बहुत ज्यादा आपके माइंड में ऐसी चीजें थी, आपने खुद को अकेला किया है, जो जरूरत नहीं है जिन चीजों की, जिन लोगों की, आपने उनको अपनी लाइफ से अलहदा कर दिया है, जो थॉट आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो एक फैंटेसी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले आप काफी डे ड्रीम वाली एनर्जी में थे, डे ड्रीम करना, एक ड्रीमी माइंड सेट में रहना, ओके ये भी हो जाएगा, ओके वो भी हो जाएगा, अच्छा ऐसा भी कर लेंगे, अच्छा वैसा भी कर लेंगे, मतलब क्या आप कुछ डे ड्रीमर थे, आप उन सब चीजों से बाहर निकले, अब आप प्रैक्टिकली थॉट रख रहे हैं, प्रैक्टिकली एक्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिकली एक्शन पे यकीन रखते हैं, क्लैरिफाई फोर ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे फोर ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों आई है, ये पर्सन आपको एक बैलेंस, पेशेंस, आपके अंदर एक सबर है, आपके अंदर एक क्लैरिफाई फोर ऑफ सोर्ट्स, आपके अंदर ये जो सबर आया है आपको काफी अट्रैक्टिव बना रहा है, आपका फोकस अपने लाइफ पे, आपका होल्ड बैक करके रखना, जरूरत से ज्यादा कनेक्ट ना रहना, या जरूरत जहां आपकी जरूरत नहीं है वहां खुद को नहीं, वहां आप नहीं है, ठीक है, जहां आपको वैल्यू नहीं दी जा रही आपने वहां से खुद को रिमूव कर लिया है, खुद को आपने एक वहां से बिना कुछ कहे आप पीछे की तरफ हट गए, ये पर्सन आपको उन चीजों से हटता हुआ देख रहा है जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, उन चैप्टर्स को आपने क्लोज कर दिया है, ठीक है, जो आपकी लाइफ में जो आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, आपने खुद को होल्ड बैक कर लिया है, अब आप वो वाले इंसान नहीं है जो आपके दिल में आ रहा है वो आप बोल रहे हैं नहीं, स्ट्रेंथ की एनर्जी, आपने आपका आपका खुद के ऊपर कंट्रोल बहुत अच्छा हुआ है, सेल्फ कंट्रोल, एक इंडिपेंडेंट एनर्जी, एक मतलब कि सेल्फ कंट्रोल आया आपके अंदर, थोड़ा सा आपको लोगों को लग रहा होगा देखकर, आपके पर्सन को ऐसा लगता होगा, आपके इर्द गिर्द वाले लोग बोलते होंगे कि आप अब आप ईगोस्टिक हो गए,
आपके अंदर एक ईगो आ गई है, आप किसी ग्रोथ की तरफ हैं, ठीक है, मतलब कि फाइनेंशियल ग्रोथ, एक आपने अपनी लाइफ में कुछ चीजें स्टार्ट करी जो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जानी है, एक आपका जो ऑरा बन चुका है ना, जो एक रैंडमली लोग देखेंगे बोलेंगे काफी ये पर्सन जो है ना एक प्राउडिश हो चुका है, या प्राउड है इसके अंदर, या ईगोस्टिक हो चुका है, या इसको जो इसके पास है उसका चीज का गुरूर है इसको, ठीक है, आपके क्योंकि आपने होल्ड कर लिया खुद को, होल्ड बैक कर लिया, आप इंडिपेंडेंट ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, आपको किसी की जरूरत नहीं है। पहले आप जब जब आपको सपोर्ट चाहिए थी लोग आपको जज कर रहे थे उस टाइम, ये इंसान ने लिटरली आपको जज करा, ठीक है, जब आपको सपोर्ट की जरूरत थी, जब आपको किसी का साथ चाहिए था, जब आपको किसी का सहारा चाहिए था, तो कोई इंसान आपको कंप्लीटली जज कर रहा था ये इंसान। लेकिन ये इंसान अब आपको एक सेल्फ इंडिपेंडेंट देखता है, ठीक है, आपका जो पैशन है, आपके जो इमोशंस हैं, आप एक मेंटली मेच्योर हुए, पहले इतने मेच्योर नहीं थे, आपके इमोशंस मेच्योर नहीं थे, आप ग्रोथ की तरफ नहीं थे, आप मेल या फीमेल, इट डजंट मैटर, ठीक है, आपको अपने ही इमोशंस को टैकल करना नहीं आ रहा था, हैंडल करना नहीं आ रहा था, आपको अपने ही मतलब के एक्शंस को समझ नहीं पा रहे थे, आप एक्शंस क्या ले रहे, बिना सोचे समझे एक्शन लेना, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होके आप बहुत ज्यादा गुस्से में आके कुछ भी एक्ट कर जाना, वो चीज ये इंसान देख रहा है, आपने रिमूव हो चुकी है, आप थोड़े से ईगो कहें या मेंटल मेच्योरिटी कहें, लेकिन आपके अंदर एक ठहराव आ गया है आपकी पर्सनैलिटी में, ठीक है, देखते हैं ये इंसान आपको लेकर फील क्या कर रहा है, ठीक है, इसका तो थॉट अभी ये चल रहा है आपकी खामोशी को देखकर, आपको काफी विजडम वाला पर्सन, आप ऐसा हो सकता है आप कोई लेक्चरर हैं, कोई आप गुरु हैं, या टीचर हैं, या किसी ऐसे इंसान से आप कनेक्टेड हैं जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपको गाइडेंस दे रहा है, ठीक है, ओके, इस इंसान की आपको लेकर इस वक्त फीलिंग्स में क्या चल रहा है, कंफ्यूज है, इमोशनल डिटैचमेंट देख रहा है आपके और अपने बीच, ठीक है, कोल्ड हुआ हुआ है, थोड़ा सा ड्राई हुआ हुआ है, और अप्रोच नहीं कर रहा, थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ हुआ है, ठीक है, फाइव सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है, एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशनल लॉस हो चुका है, इमोशनली आप लोग एक मतलब के डिस्टेंस पे आ चुके हैं, और ये पर्सन भी जैसे कि खुद इस डिस्टेंस को फिल करने की कोशिश नहीं कर रहा, कोल्ड ही है, ठीक है, आप लोग के पीछे कोल्ड एनर्जी आ चुकी है, इस पर्सन के अंदर भी वो कोल्ड एनर्जी मुझे दिख रही है, इस डिटैचमेंट का या इमोशनल डिस्टेंस का एहसास इसको भी हो रहा है राइट नाउ, दे आर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ, ओके, क्लैरिटी मिल रही है इसको अपने पास सेल्फ की, इसने आपको किस तरीके से डील करा है, ठीक है, कहीं ना कहीं इसको समझ में आ रहा है, ये जो आप इतना मेच्योर हुए हैं, या जो आप इतना बैलेंस हुए हैं, इस पर्सन के कुछ फिक्स माइंडसेट की वजह से हुए हैं, ये पर्सन कुछ फिक्स तरीके से आपको डील कर रहा था, इसको कुछ क्लैरिटी मिल रही है अपने थॉट्स पे, अपने एक्शंस पे, जो भी इसने आपके साथ पास में किया है, जो कुछ पास में आप लोग के बीच होता रहा है, ठीक है, ओके, आप दोनों इस वक्त काफी कोल्ड हुए हैं, मैं आपके अंदर थोड़ी सी एक ये पर्सन आपके अंदर जो है ना एक अकड़ू वाली एनर्जी देख रहा है, जैसे कि आप फ्लेक्सिबल नहीं है इस वक्त, आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, अब आप चेस करने के लिए रेडी नहीं है, इसको काफी क्लियर कट आपसे ये समझ में आ चुका है, आप लोग के बीच काफी डिटैचमेंट आ चुकी है, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ चुका है, ठीक है, लेकिन ये आपको मैरिज मटेरियल देखता है, ये आपके साथ एक मैरिज का सोच रहा है, आपके एक हेरोफिन की एनर्जी, आप दोनों काफी मैच्योर है, स्टेबल है, ठीक है, आप लोग के माइंडसेट काफी मैच्योर है, आप लोग के जो अपब्रिंगिंग है काफी बैलेंस वाली अपब्रिंगिंग है, आप लोग के जो माइंडसेट है, आपके जो ब्रॉटअप हुआ हुआ है, किसी ऐसी फैमिली से ब्रॉटअप हुआ हुआ है, आप दोनों ही ट्रेडिशनल फैमिली से आते हैं, ठीक है, आपके यहाँ भी ट्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर्सन के यहाँ भी, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग के बीच एक समझदारी का लेवल है, लेकिन वो एक लेवल बैलेंस होना चाहिए, आप लोग सेम पेज पे नहीं थे जब आप लोग मिले, एज डिफरेंस की वजह से, या माइंडसेट डिफरेंस की वजह से, या सामने वाला एक इंसान मैरिज कमिटमेंट चाह रहा था, और एक इंसान सिर्फ फन फ्लर्ट करना चाह रहा था, तो डिफरेंस था, आपके पर्सन को नहीं लगा था कि आप इतने इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, या आप लोग के आपसे आपका इस पर्सन की लाइफ में ऐसा ऐसा इम्पैक्ट होगा, या आपका सफर इतना, आपका और इस इंसान का सफर इतना तवील और इतना लंबा रहेगा, ठीक है, मतलब कि आप लोग इस तरीके से एक साथ कनेक्टेड रहेंगे, आपके पर्सन ने नहीं सोचा था, आपके पार्टनर को जब आप मिले तो आपके पर्सन को काफी डिफरेंट पर्सनैलिटी लगे थे, आप शायद इस पर्सन को अपने आप अपने टाइप के नहीं लगे थे, ठीक है, लेकिन जैसे कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें रिवील हुई, आप दोनों के बीच जो बैलेंस आया है और एक अंडरस्टैंडिंग आई है, बहुत कुछ सहने के बाद आई है, ठीक है, एक आपके पार्टनर ने आपके सेल्फ को समझने की तो कोशिश अब करी है, अब तक तो ये पर्सन समझने के लिए रेडी नहीं था, ठीक है, जब आपने बोलना बंद करा है, जब आपने समझाना बंद करा है, जब तक आप समझा रहे थे समझना चाह ही नहीं रहा था, ओके, टू ऑफ कप्स,
इक्वलिटी आ रही है, ठीक है, दोनों के बीच एक इक्वलिटी आ रही है, क्लैरिटी आ रही है। आने वाला टाइम काफी क्लियर रह सकता है आप लोग के बीच, एक क्लैरिटी, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी आप लोग रख सकते हैं। टीम वर्क आप लोग के रिलेशनशिप में होने वाला है। अब आप लोग एक साथ आएंगे तो टीम वर्क करेंगे, ये रिश्ता हीलिंग की तरफ है। और डेस्टाइन कनेक्शन है, जैसे कि स्टार्स में लिखा गया कनेक्शन, ये जो स्टकनेस थी वो इसीलिए थी क्योंकि आप लोग डेस्टाइन थे, लेकिन आप लोग का एक सेम पेज पे, सेम लेवल पे नहीं आ पा रहे थे आप लोग, ठीक है। कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है आपकी, ठीक है, जो आप यहाँ पर बहुत टाइम से कोई आपकी विश है, ठीक है, आप किसी चीज को बहुत अरसे से विश कर रहे हैं। शायद ये आपकी विश 8 ईयर्स पुरानी, 7 ईयर्स पुरानी, 9 ईयर्स पुरानी है, 3 ईयर्स पुरानी है, लेकिन कोई विश कम ट्रू होने वाली है। आप लोग एक सोल काउंटर पार्ट है, ठीक है, आपको पता है ये बात, आप लोग एक सोल मेट है, आप लोग एक जैसे ही हैं, ठीक है, आप भी एक स्टेबल माइंडसेट के हैं और ये पर्सन भी स्टेबल माइंडसेट का है। एज डिफरेंस हो सकते हैं, कास्ट डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आप लोग, आपका भी बैकग्राउंड एक फैमिली ओरिएंटेड है, इस पर्सन की बैकग्राउंड एक फैमिली ओरिएंटेड है, आपका माइंडसेट भी एक ब्रॉट अप भी एक फैमिली की तरह हुआ हुआ है, आप भी एक मैरिज करना चाहते हैं और ये पर्सन भी, ठीक है। कहीं ना कहीं आप लोग का माइंडसेट या आप लोग एक दूसरे को मिरर करते हैं, मुझे आपके अंदर सिमिलरिटी बहुत ज्यादा दिख रही है। इस इंसान ने आपको बहुत टाइम बाद जो समझा, इसको समझ में आया आप कहीं ना कहीं इसी की तरीके का है, ठीक है, इसी का एक अक्स है। ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग के रिश्ते में आने के बाद बहुत ज्यादा चेंज हुए एक दूसरे के लिए, और फूल की एनर्जी है। कुछ यहाँ पर रिस्क टेकिंग होने वाली है जो यहाँ पर हो नहीं रही थी, आप दोनों की तरफ से कुछ चेंज नहीं हो रहा था, दोनों ही बहुत ज्यादा साइलेंट है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आप दोनों ही पहले फियरफुल रहे, काफी फियर था अपने आप को बदलना, ना आप चाहते थे ना ये इंसान चाह रहा था, ठीक है, अपने पैटर्न को ब्रेक करना या अपने माइंडसेट को चेंज करना एक दूसरे के लिए, खास तौर पे आपके पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, अपने आप को बदलना नहीं चाह रहे थे किसी भी हाल में, वो सोच रहे थे कि आप इनके टाइप के नहीं है, ठीक है, बस उनके दिमाग में ये सब कुछ था, टाइप के नहीं है तो लेट गो करो, ठीक है, मतलब कि आसान सा रास्ता ये है, लेट गो कर दो। डेस्टिनी तो कुछ और ही लिख रही थी, डेस्टिनी तो कुछ और ही चाह रही थी, आपके पर्सन ने कभी नहीं सोचा था कि आपके साथ ये सब कुछ होगा, मतलब कि आप दोनों के बीच आप लोग का ये कनेक्शन इतना लॉन्ग टर्म जाएगा, या आप लोग एक दूसरे के साथ या मैरिज या कमिटमेंट का सोच रहे होंगे, आपके पार्टनर ने नहीं सोचा था जब आप मिले थे, ठीक है। अच्छी देखते हैं, अगर ये आपको कुछ कहना चाहे, कोई एक मैसेज, बहुत ज्यादा मैसेजेस नहीं देंगे, वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए कोई एक मैसेज, वन मैसेज फॉर योर पार्टनर, आपके पर्सन अगर कोई एक मैसेज कुछ आपको दे कहना चाहे, कुछ भी ऐसा जो भी इस पर्सन के माइंड में चल रहा है, थिंक अबाउट योर पार्टनर, ठीक है, इमेजिन करें अपने पर्सन को जिसके साथ आप खामोशी पे हैं, अगर वो इंसान आपको कोई एक मैसेज देना चाहे तो क्या देगा। कुछ न्यू स्टार्ट आता हुआ दिख रहा है, काफी क्लैरिटीज आती हुई दिख रही है आप लोग के बीच, एक टीम वर्क करते हुए दिख रही है, डेस्टाइन कनेक्शन है, कुछ डेस्टिनी आपके लिए लिखा हुआ है, आई लव यू अनकंडीशनली, ओके, आप लोग के बीच एक अनकंडीशनल लव है, ये पर्सन एक आपको बॉटम ऑफ द डेक भी है, आई लव यू, ठीक है, आपके पर्सन आपको पसंद करते हैं, शायद ये कभी इस पर्सन ने कन्फेस नहीं किया, वी विल बी टूगेदर अगेन, ठीक है, ये पर्सन आपके साथ दोबारा आना चाहता है, चीजों को बैलेंस करना चाहता है, चीजों को एक अच्छे टर्म एंड कंडीशंस पे आपके साथ तय करना चाहता है, बैलेंस रिलेशनशिप बनाना चाहता है, इक्वलिटी चाहता है, ठीक है। पॉजिटिव रीडिंग है, काफी पॉजिटिव है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए, कुछ चीजें प्रोसेस में होती हैं, ठीक है, एक प्रोसेस पे ट्रस्ट करा करें, बहुत ज्यादा वर्ड या बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा चेजिंग एनर्जी बेकार होती है, एक प्रोसेस है, डिवाइन का हर चीज का एक प्रोसेस है। एक बेबी बॉर्न होता है तो एक प्रोसेस रहता है, ठीक है, और जब आप एक कुछ कुकिंग करते हैं तो एक प्रोसेस रहता है, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी ले लेते हैं ना, तो जब आप अपनी लाइफ में एक छोटे होते हैं और उसके बाद एक यंग टाइम होता है तो एक प्रोसेस रहता है, फिर आप एक ओल्ड एज में जाते हैं तो प्रोसेस रहता है, एकदम ही तो सब कुछ नहीं हो जाता ना, तो एक प्रोसेस पर ट्रस्ट करना चाहिए, ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। जब तक आप अपनी लाइफ में एक पेन से सफर नहीं करते हो तो कुछ अच्छा गेन नहीं कर पाते। हाँ, प्रोसेस में बहुत कुछ होता है, आपकी लर्निंग भी होती है, कुछ लर्निंग हमें बहुत ज्यादा पेन से मिलती है, तकलीफ से मिलती है, तो ट्रस्ट करा करें, प्रोसेस डिवाइन ने आपके लिए ही बनाया है ताकि आप एक मेच्योरिटी, आप ज्यादा समझ सकें, जिंदगी ज्यादा सिखाती है, किताबें नहीं सिखाती, ठीक है, किताबें सिर्फ आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 देती है, ठीक है, तो प्लीज अंडरस्टैंड किया करें। हम ना डिवाइन को ब्लेम कर सकते हैं, ना हम लोगों को ब्लेम कर सकते हैं, ये तो सब डिवाइन के बनाए हुए एक वो हैं, पुतले हैं, जैसे कि हम एक चेस खेलते हैं ना, हम उठा के चेस को उस घोड़े को वहां रख देते हैं, उस मैार को वहां रख देते हैं, तो ये वो वाली लाइफ है, लाइफ इस तरीके की है, डिवाइन जो चाह रहा है वो कर रहे हैं, प्लान तो उसका है,
और उस प्लान को अंजाम हम दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अपने अपने सेल्फ को हमें दुरुस्त रखना चाहिए, सही रखना चाहिए। हमारे यहाँ जैसे हमारे कर्मा होता है, हमें वैसे ही रिटर्न मिलता है। बैड कर्मा पे बैड ही हमें एक रिटर्न मिलेगा, गुड कर्मा पे गुड ही मिलेगा, ठीक है। तो कर्मा को बैलेंस रखें, कर्मा को अच्छा रखें अपने, ताकि आपके पास जब आपका टाइम आए, जब आपका वक्त आए, तो आपको गुड कर्मास का रिजल्ट मिल सके, ठीक है। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पर रखती हूँ। अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।